कल के दिन जितना मार्केट में दबाव देखने को मिला, आज अगर हम स्थिति देखें तो उसका 95% मार्केट रिकवर कर गया। हाँ, थोड़ा स्मॉल कैप में उतना रिकवरी देखने को नहीं मिला कल जितना गिरावट रहा। कल अगर देखा जाए तो 3% के ऊपर का गिरावट था स्मॉल कैप में, लेकिन आज 2.5% के करीब में स्मॉल कैप यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को मिला। किन कारणों से मार्केट में रिकवरी होता हुआ देखने को मिला? देखो, आज जो स्थिति रहा है, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिला। जब मार्केट ओपन हुआ तो वहाँ पे मार्केट दबाव बना रहा था, या फिर एक ही पॉइंट पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला था। जैसे जैसे यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी का जो सीट है वो मजबूत होता गया, वैसे वैसे मार्केट ने भी अपना मजबूती दिखाया और आंकड़े काफ़ी यहाँ पे अच्छे देखने को मिले। अगर देखा जाए तो पिछले 5 से 6 दिन का जो मार्केट में एक दबाव था, आज वो मार्केट ब्रेक किया है और मार्केट में अच्छा खासा आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। आज मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि कहाँ कितना परसेंट चेंजेस हुआ। मैं ये भी आपके सामने आंकड़ा रखूंगा कि कैसे स्टॉक्स ने यहाँ पे निफ्टी 50 को हेल्प किया है। मैं ये भी आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट हुआ उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट दबाव देखने को मिला। मैं ये भी आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि पिछले 5 से 6 दिन का जो गिरावट था, आज के दिन का अगर मैं स्किप करूँ तो कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला है और कैसा कैटेगरी अभी भी काफ़ी कम गिरावट के साथ देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 से यहाँ पे 0.88% का आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। कुल मिला के अगर आंकड़ा देखोगे तो 217 पॉइंट का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करूँ तो यहाँ पे 1.68% का जी हाँ छलांग देखने को मिला है। और निफ्टी मिड कैप 100 का आंकड़ा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% के ऊपर 1235 पॉइंट यहाँ पे प्लस होता हुआ देखने को मिला है। बीएससी स्मॉल कैप का आंकड़ा देखें तो 2.44%, निफ्टी मिड कैप 50 में 1.71% और निफ्टी आईटी में 0.47% का आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव आंकड़े हैं। अब कैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला? अगर मैं निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स की बात करूं, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो ये 3.5% टूटा है। टाटा स्टील में भी करीबन 3% का गिरावट है। टाइटन में भी करीबन 2.5% के ऊपर का गिरावट है। बजाज फिनसर्व में 2% के ऊपर का गिरावट और जेएसडब्ल्यू स्टील का आंकड़ा देखें तो 2% के ऊपर का दबाव यहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन आज मार्केट पॉजिटिव में रहा तो निफ्टी 50 के कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। ट्रेंड की बात करूं तो ये 8% स्टॉक्स जंप लिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक भी 5% का यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिला है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करूं तो ये 4 से 5% का आंकड़ा यहाँ भी देखने को मिला है। अदानी पोर्ट में भी करीबन 4% 4.5% के ऊपर का आंकड़ा है और M&M में यहाँ पे 3% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला और कई जगह यहां पे तेज़ी का रुझान भी रहा। देखो, आज जो मार्केट का स्थिति रहा है, जी हां, इलेक्शन के रिजल्ट के चलते आज मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है और यहां पे लोगों ने कुछ खरीदारी भी किया है। लेकिन ऐसा स्थिति नहीं है कि अब लगातार मार्केट ऐसा ही रहेगा। जब रिजल्ट का इफेक्ट ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, वैसे वैसे जो अदर रीजंस हैं वो यहाँ पर दबाव बना सकता है और हो सकता है कि 1 से 2 दिन मार्केट कुछ कंसोल हो या मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले और फिर से वहाँ पे एक कुछ दबाव देखने को मिले। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड ने, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, जो ये 5 से 6 दिन का गिरावट हुआ इसमें कितना नुकसान देखे गए हैं। शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड से। जी हाँ, HDFC स्मॉल कैप की बात करूँ तो पिछले 5 दिन में ये 4.22% टूट चुका है। महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 5.29% टूट चुका है। अगर मैं वैसे कोटेक स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये 3.8% टूटा है। यहाँ पे अगर देख सकते हो कि अब तक जो भी मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखा है
उसमें सबसे कम गिरावट कोटक स्मॉल के फंड का देखने को मिला है। वैसे ही क्वांट स्मॉल के फंड में यहाँ पे पिछले 5 दिन में 5.23% का गिरावट दर्ज किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में पिछले 5 दिन में 5.71% का दबाव है। बंधन स्मॉल के फंड में यहाँ भी पिछले 5 दिन में करीबन 5.16% का दबाव देखने को मिल रहा है। और अगर आप कैनर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो 4.90% का दबाव है पिछले 5 दिन में। यहाँ पे स्पेस स्मॉल के फंड की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 3.89% का दबाव है। निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ पे जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है करीबन 5% का आंकड़ा है। तो देखो सबसे कम जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है, जी हाँ, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और यहाँ पे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें गिरावट कम है। अगर मैं ज़्यादा गिरावट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट है स्मॉल कैप में, हालांकि देखो बहुत सारे स्मॉल कैप को मैंने स्किप किया है, कुछ एक स्मॉल कैप को ही यहाँ पे आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट ज़्यादा है, 5.71% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ये सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे कैटेगरी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, कैसा कैटेगरी जो ये कुछ दिनों से मार्केट में दबाव था उसका असर सबसे कम देखने को मिला। देखो अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूँ तो ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का पूरा रिटर्न है। अगर देखोगे तो लार्ज एंड मिड कैप में दिनों का जो गिरावट है, जी हाँ, उसमें 4.30% का दबाव देखने को मिला। मिड कैप कैटेगरी में 4.47, मल्टी कैप में 4.31, लार्ज कैप की बात करूँ तो 4.19% का दबाव देखने को मिला। इक्विटी ESG की बात करूँ तो 3.89, डिविडेंड यील्ड में 3.88%। अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूँ तो 2% का दबाव। इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो 5.22%। सेक्टर FMCG में 0.33 पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। सेक्टर एनर्जी में करीबन 5% का नुकसान। कॉन्ट्रा की बात करूँ तो 4% का नुकसान। सेक्टर फिनेंशियल सर्विस की बात करूँ तो करीबन 4.89। फोकस्ड फंड में भी यहाँ पे करीबन 4% का नुकसान। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे 0.10% का नुकसान देखने को मिला। वैल्यू में 4% के ऊपर का नुकसान है, स्मॉल कैप में भी 4% के ऊपर का, फ्लैक्सी कैप में भी 4% ऊपर, और ELSS में भी वही आंकड़ा 4% के ऊपर का देखने को मिल रहा है। ये दबाव देखने को मिल रहा है। अब इन आंकड़ों में अगर आप नज़र डालोगे तो जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो FMCG है। इट मीन्स कि FMCG में गिरावट दर्ज ही नहीं किया गया। जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी कम गिरावट रहा, 2.10% का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करोगे तो यहाँ भी सबसे कम गिरावट देखने को मिला है। FMCG के बाद अगर आप कोई आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे कम गिरावट दर्ज किया गया है। और ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे गिरावट कम रहा है। और ज़्यादा गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो जो कि मैंने आपके सामने इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, 5.22% का सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज किया गया है। ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं, आज जो यहाँ पे तेजी देखने को मिला कल उसका आपको पता चलेगा कि आपके म्यूचुअल फंड में क्या स्थिति रहा है। कल जो आपने लमसम किया उसका भी आंकड़ा आपको पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।